Okay, so if you talk about what actually is aerobic रिस्पायरेशन, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है और पेपर में से क्वेश्चंस आते हैं. थिंग इज दैट मैं एक्सप्लेन पूरा पूरा करूंगा, बट इसमें जो बात रिटेन करने वाली है वो बहुत कम है. सो एरोबिक रिस्पायरेशन यार एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है. और इसमें क्या होती है, इसमें ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक फूड का, यानी कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक फूड होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं विच इन्वॉल्व कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हम उनको तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और जब उनको तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ठीक है. जब एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए या इनका ब्रेक डाउन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है और बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है. किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में. और ये प्रोसेस जो है हर ऑर्गेनिज्म में होता है और इसके चार फेसिज हैं. सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ग्लाइकोलाइसिस, देन देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट, व्हेन देन इट विल बी फॉलोड बाय क्रेब्स साइकिल एंड रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर हेक्सोज शुगर या कोई और शुगर, बस उसमें 6 कार्बन हो. एन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट बनता है, लेकिन एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं रिलीजिंग सम एनर्जी एज एटीपी एंड रिड्यूस को एंजाइम्स एज एनएडीएच. यानी कि एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है और को एंजाइम भी मिलता है हमें एनएडीएच की फॉर्म में. इट अकर इन साइटोप्लाज्म. अच्छा हाँ, एमसीक्यूज का पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म के होता है. इसके दो फेजेज हैं, एक प्रीपरेटरी फेज है और दूसरा क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज है. जो प्रीपरेटरी फेज है उसमें प्रिपरेशन करते हैं, इज एन इन्वेस्टमेंट फेज. कह रहे हैं इसमें कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं. क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? 2 ATP आर कंज्यूम. सो प्रीपरेटरी फेज वो फेज है जिसमें हमें, देखो ये एटीपी एक दिया गया, एक और एटीपी यहाँ दिया गया है, तो ये वो प्रीपरेटरी फेज है जिसके अंदर हम अपने एटीपी खुद देते हैं, कंज्यूम करते हैं. इट्स एंड प्रोडक्ट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. G3P है, कुछ और भी नहीं है बल्कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है. सो हमें इस प्रीपरेटरी फेज के एंड में क्या प्रोडक्ट मिलता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, G3P के 3 मॉलिक्यूल. ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेटिव फेज इज अ पे ऑफ फेज. इसमें हमें पे ऑफ मिलता है इन विच नॉट ओनली एटीपी आर प्रोड्यूस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. इसमें ना सिर्फ एटीपी बनता है बट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनएडीएच विच अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन इन रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यील्ड मोर एटीपी. कह रहे हैं जो पे ऑफ फेज होता है जिसके अंदर हम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये कुछ और भी नहीं है बल्कि ये भी G3P ही है. तो दोनों क्या है, G3P है. जब हम इनको यूज करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को, तो ये यार एल्डिहाइड है, कीटोन है. तो हमें इसके आखिर में क्या मिलता है, एक तो एनएडीएच, दो दो एनएडीएच यहाँ मिल गए और ये दो दो एटीपी यहाँ और दो एटीपी यहाँ, तो टोटल 4 ATP मिल रहे हैं. लेकिन दो हमने खर्च भी किए थे ना, तो 4 में से हम अगर 2 निकाल देंगे तो हमें टोटल पे ऑफ कितना मिल रहा है, 2. यानी कि हमें 2 ATP मिल रहे हैं इस ग्लाइकोलाइसिस के जरिए और 2 NADH के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, और हम इन NADH के मॉलिक्यूल्स को आगे फर्दर रिएक्शन में यूज करेंगे, ठीक है. कौन से रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ज्यादा एटीपी बनाएंगे. सो कह रहे हैं द होल ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स. प्रॉपर ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है वो इन स्टेप्स में होता है. सबसे पहले क्या होती है, देयर इज अ फॉस्फोराइलेशन. तो ये फॉस्फोराइलेशन सबसे पहली होती है. क्या होता है इसमें, ग्लूकोज रिएक्ट करता है. फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, यानी आप ना सिंपली एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा रहे हो. सो ग्लूकोज जो है हमारा वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एटीपी के साथ. यानी कि आपने एटीपी एक दे दिया, जब ग्लूकोज एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फेट ग्रुप जो है ना एटीपी में से, अब एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं, तो एटीपी टूटेगा इंटू एडीपी, यानी ट्राइफॉस्फेट टूट जाएगा एडीनोसिन डाइफॉस्फेट में और एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा जो जाएगा ग्लूकोज के साथ कंबाइन कर देगा. और जब ग्लूकोज के साथ कंबाइन कर देगा तो कार्बन नंबर 6 पे कंबाइन करेगा, इसलिए इसको कह रहे हैं ग्लूकोज फॉस्फेट नहीं बल्कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कह रहे हैं, ठीक है. और अगर हम आइसोमराइजेशन की बात करें, जो सेकंड स्टेप है, तो फॉस्फोराइलेशन हो गया, जब फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो गया जिसमें हमने एडीपी ऐड करा दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, उसके बाद इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की होती है आइसोमेरिज्म, ठीक है. इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमराइजेशन. इसमें क्या होता है, ग्लूकोज फॉस्फेट जो होता है ना 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, तो हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लिया. अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है इसकी फॉस्फोराइलेशन, यानी कि दोबारा एटीपी ला रहे हो. सो व्हेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट विद अनदर एटीपी इट इज फॉस्फोराइलेटेड टू फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, ठीक है. यानी कि आपने फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बना लिया. जब फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बना लिया, यानी कि आपके पास 6 कार्बन है और दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, आप फिर इसको तोड़ते हो, देयर इज स्प्लिटिंग
और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है टूट जाता है इंटू वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसके 3 कार्बन होते हैं, और डाइहाइड्रोक्सीसिटोन 3 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद हम इनके दोबारा से आइसोमराइजेशन कराते हैं, यानी कि डाइहाइड्रोक्सीसिटोन फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन करते हैं, ठीक है, चेंज इनटू इट्स आइसोमर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इन दिस वे प्रिपरेटरी फेज इज कम्प्लीटेड। कब कम्प्लीट होता है? जब आपकी उसकी आइसोमराइजेशन भी दोबारा हो जाती है। नेक्स्ट फेज जो है ना ग्लाइकोलिसिस का, इज प्रीसीडेड बाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो अगला फेज है ग्लाइकोलिसिस का, इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, जिनको हम यूज करेंगे और उनसे हम फर्दर प्रोसेस कराएंगे। तो हम यहाँ पर जो रिएक्शन में शो करने जा रहा हूँ ना, देखो हमारे पास नॉर्मली आए कितने हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, कितने 2 मॉलिक्यूल्स के, लेकिन मैं यहाँ पर जो रिएक्शन शो करने जा रहा हूँ वो सिर्फ 1 मॉलिक्यूल के लिए शो करने जा रहा हूँ। यानी कि अगर जो भी चीज़ आखिर में बनेगी मेरे पास, मैं शो तो कर रहा हूँ कि एक के लिए, लेकिन दरअसल वो हमारी डबल मिल रही बन रही होगी। कैसे हम उसकी बात करेंगे? सबसे पहले है डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, के सबसे पहले आपका डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि आपके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, आपके अंदर से, ये मेरा मतलब प्रोडक्ट के अंदर से। सो ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब यहाँ पर दिखा रहे हैं 2, जब 2 शो कर दिया यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट 2। सो डिहाइड्रोजिनेशन, आपने अपने आपके पास ना NAD आया, और NAD में आपने जब हाइड्रोजन ऐड कर दी तो बन गया NADH, और एक होता तो एक आता, दो क्योंकि दो है हमारे पास एल्डिहाइड, तो हमारे पास 2 NAD आए और 2 NADH इन्होंने यहाँ से बना लिया, और हमने 2 फॉस्फेट ऐड भी कर दिए, ठीक है। तो ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट था, तो ग्लिसरल डिहाइड 1,3 बेस फॉस्फो ग्लिसरेट, या ग्लिसरल डिहाइड 1,3 बायफॉस्फेट भी कह सकते हैं उसको, तो एक ही बात है। बट अगर 1,3 बेस फॉस्फो ग्लिसरेट कह लें वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। NADH एंड एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म 1,3 बिस्फोस्फो ग्लिसरेट, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ATP, अगले स्टेप में क्या होता है, ATP बनता है, जो कैसे बनता है, द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये MCQs का पॉइंट है कि आप अगर आप डायरेक्टली ATP बना रहे हो ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट से, इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि आपके पास सबस्ट्रेट था वो पहले से ही फॉस्फोराइलेटेड था, अब जब उस फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट को यूज किया और बना लिया आपने ATP, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इन दिस स्टेप मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज फॉर्म फ्रॉम 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट व्हिच इज चेंज इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। सो हमारे पास था 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, हमने 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई और 2 ATP के मॉलिक्यूल बन गए, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 बने, एक होता तो एक बनता, यानी कि 2 ATP है, 2 ATP बना लिए, और 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट चेंज हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसकी दोबारा से आइसोमराइजेशन कराएंगे। सो इन दिस स्टेप पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज चेंज फ्रॉम कार्बन 3 टू कार्बन 2 ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉर्म 2 फॉस्फोग्लिसरेट। सो आइसोमराइजेशन में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कार्बन पहले हमारा जो फॉस्फेट का पार्ट था इट वॉज ऑन कार्बन 3, अब कार्बन 2 पे आ गया है, तो ये आइसोमराइजेशन हुई है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव करेंगे। इन दिस स्टेप 2 फॉस्फोग्लिसरेट अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यानी PEP। सो आप ना 2 फॉस्फोग्लिसरेट की डिहाइड्रेशन कराते हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिलीज हेयर, और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। सो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है उसके फर्दर हम वहां से ATP बनाएंगे और बन जाएगा हमारे पास पाइरुवेट। अगेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन व्हेन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट लूजेस फॉस्फेट ग्रुप व्हिच इज टेकन अप बाय ATP टू फॉर्म ATP इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। ये MCQs है कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पाइरुवेट कैसे बनता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पाइरुवेट ऐसे बनता है कि आप एक एंजाइम होता है पाइरुवेट काइनेज, यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है जिसके जरिए तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पे जो एक फॉस्फेट था वो रिलीज होता है और इट इज एक्सेप्टेड बाय ATP टू फॉर्म ATP, ATP बनता है। अगर देखो अगर एक फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता तो 1 ATP बनता, बट 2 हैं तो 2 ATP बन जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास ATP 2 जगह पर बने, कहाँ कहाँ बने, सबसे पहले जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, ठीक है, उसने NADH बनाया और 1,3, और उसके अंदर हमने फॉस्फेट ऐड कराया था वो बन गया था 1,3
बेस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। जब 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट हमारा बन गया था, यानी जब हमने डिहाइड्रोजनेशन और फॉस्फोरिलेशन कराई थी, उसके बाद हमने 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट में 2 ADP दिए और 2 ADP हमें मिले, तो यहाँ पर हमारा ADP बना था 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट से, और एक बना है फॉस्फोनोल पाइरुवेट से। सो यहाँ पर हमारा ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया। और इसमें MGQs की बात जो है वो हम भी देखते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय 3 जर्मन साइंटिस्ट, एम्डेन एंड देयर इज अदर नेम मेयरहॉफ एंड पेरनस। सो अगर पूछ सकते हैं, आजकल जो PMDC पागल हो चुका है, सो ये वाली बातें भी पूछता है, दैट इज एम्डेन, मैंथोल एंड पेरनस। सो अगर हम इसको रिवाइज करें तो यार एरोबिक रिस्पायरेशन जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है, ये होता कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इसके दो प्रोसेस हैं, एक प्रिपरेटरी फेज है और एक पे ऑफ फेज है। प्रिपरेटरी फेज की खास बात यह है कि आप इसको इसमें आप 2 ADP खर्च करते हो, और पे ऑफ की बात यह है कि आपको यहाँ पे 4 ADP मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज की आप फॉस्फोराइलेशन कराते हो और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर आप उसकी आइसोमराइजेशन कराते हो, ठीक है, आपको बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है, आप एक दोबारा उसकी फॉस्फोराइलेशन कराते हो तो बन जाता है आपके पास फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट है, आप उसकी स्प्लिटिंग कराते हो तो बन जाता है ग्लिसरल डिहाइड्रेट 3 फॉस्फेट एंड डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। अब इसकी स्प्लिटिंग के बाद आप इसकी आइसोमराइजेशन कराते हो तो ये भी ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में बन जाता है। तो आपके पास टोटल दो मॉलिक्यूल आ जाते हैं ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट के। फिर हम जो रिएक्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं वो एक के लिए शो कर रहे हैं, लेकिन साथ में दो दो लिखा है ताकि हर चीज शो हो के हमें जो दो दो बन रहे हैं ना, वो इसलिए बन रहे हैं कि बिकॉज 3 ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट थे। सो सबसे पहले क्या होता है, आप सबसे अंदर डिहाइड्रोजिनेशन होती है, यानी कि हाइड्रोजन निकलता है तो 2 NAD आता है अपने अंदर, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो 2 NADH बना लेता है, जो कि हम आगे बहुत काम की चीज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ से हम बहुत ADP बनाएंगे, और इसके अंदर आप फॉस्फेट भी ऐड कराते हो तो फॉस्फोराइलेशन भी होती है उसके, और ये बन जाता है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। जब आप इस यहाँ इसके अंदर फिर क्या करता है, यहाँ से आपका ADP बनता है, इस प्रोसेस को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कराते हैं कहते हैं, और बन जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बाय आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन ये होता है कि यार मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, बस अरेंजमेंट में फर्क आ जाए। देन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है बाय डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर रिमूव हो जाता है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करती है, पाइरुवेट काइनेज, ये MCQs है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के ऊपर पाइरुवेट काइनेज एंजाइम एक्ट करता है और वो पाइरुवेट बना देता है, यहाँ पे हमें 2 ADP रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर कोई कहे कि टोटल ADP कितने मिलते हैं हमें, 4, सही है। और टोटल ADP कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। खर्च कितने होते हैं, 2 बनते हैं। और अगर कहे व्हाट इज द नेट गेन ADP, नेट गेन की जब बात करेंगे ना, अगर टोटल पूछेंगे कितने बनते हैं तो बोलोगे 4, बट अगर नेट गेन की बात करेंगे भाई टोटल मिले कितने हैं, तो देखो 2 मिले हैं ना, बिकॉज 2 ऊपर खर्च भी तो हो गए थे, तो 4 में से आप 2 माइनस कर दोगे तो आपको 2 मिलेंगे। सो ग्लाइकोलाइसिस के से आपको 2 ADP मिलते हैं।